गाइस, इसको अगर मैं अपने पैरों से दबाऊं तो क्या होगा? ओह माय गॉड, पिचक गया गाइस। सो सरप्राइजिंग यार, ये कैसे हो गया? वाओ, अब गौतमी के पैरों से दबा के देखते हैं, कहीं कुछ और हो गया तो। ओह माय गॉड, इससे भी पिचक गया गाइस। वाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ये अलग ही लेवल की बेवकूफी देख के आपको लगा ना कि आपका समय बर्बाद हुआ? रोज लाखों लोग ऐसी वीडियोस पे खुद ही क्लिक करके इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बस फर्क ये कि इनके कार्ड इस पे नहीं, आईफोन पे होते हैं। टेस्ट के नाम पे फोन की धजियां उड़ा देते हैं। ड्रॉप टेस्ट है तो फोन को स्पेस से फेंकेंगे, टेम्परेचर टेस्ट है तो आग ही लगा देंगे, और फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए फोन पे गोली मार के देखते हैं। गोली लगने से एक खरोच भी आ जाए तो ऐसे रिएक्ट करेगी, यार कैसा फोन है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसे कहते हैं मोबाइल, इसे लोग कॉल वॉल करने में, थोड़ा बहुत मैसेजिंग और फोटो खींचने में इस्तेमाल करते हैं। कोई जंग लड़ने नहीं जाता इसको लेके, गोलियां चला रहे बड़ा फोन पे। पता नहीं इनके पास पैसे ज्यादा हो गए या अकल, क्योंकि कौन नए नए फोन को तोड़ने के लिए खरीदता है? नई पसंद तो यार हमें दे दो। आईफोन वर्सेस एक्स, टाइटल तो ऐसे लिखा है जैसे बहुत ही फेयर मुकाबला होने वाला है दोनों के बीच। आईफोन को बर्बाद करने से पहले ये एक सेब काट के दिखाता है कि एक एक्स कैसे काम करते हो, चीजें कटती कैसे हैं। और इस बंदे में इतने कीड़े कि एप्पल को सिर्फ काटना नहीं है, उसको पूरा फोड़ना है और फिर स्लो मोशन में भी दिखाना है। भाई हम समझ गए, तेरे में बहुत ताकत है, अब आगे बढ़े। ये करने का पॉइंट क्या था, कंक्लूजन क्या है? अबे बस इतनी बर्बादी बस एक ठेंगा दिखाने के लिए। इन सब टेस्ट वालों का ना एक ही आउटरो है, ये एक अंगूठा, बाकी सब आप खुद ही समझ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर कोई आईफोन के पकोड़े बना रहा है, मस्त अंडा वंडा डाल के तेल में तल रहे हैं। वैसे तो इसका पकोड़े के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं लग रहा, काफी वाहियात शेफ है, पर इनकी कोशिश के लिए मान लेते कि पकोड़ा है। अब किसी फोन के पकोड़े बनाओगे तो क्या होगा? ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं जैसे बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। जल ही जाएगा ना, बर्फ के गोले थोड़े ना निकलेंगे। ये लोग फोन्स को मिक्सर में डाल के कंपेयर कर, जिस फोन की चटनी पहले बनी वो बेकार। And as a quick comparison, the Galaxy S8. The Galaxy S8 just seems more durable. कैमरा, स्पेक्स, फीचर्स वो सब छोड़ यार, चटनी कौन से फोन की और कैसे बनती है उस हिसाब से लेंगे हम नया फोन। You guys can see. ओहो भाई, इतने अच्छे से आज तक हमने ब्रेड पे नहीं लगाया। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है। हाँ, डुबा दे आईफोन, पूरा बोतल डाल पूरा। Yes. So I'm kind of back now. I cleaned it off a little bit. तो एक घंटा आईफोन पे न्यूटेला मल के फिर धो दिया। So look at this. Wow यार, क्या अमेजिंग वीडियो थी। Sprite में, कोका कोला में, सब में डुबा डुबा के फोन देख, जैसे सब में कुछ अलग ही रिएक्ट कर जाएगा तुम्हारा फोन। ये तो वही बात हो गई कि फोन को बाल्टी में फेंक के देख रहे हो या फिर मटके में, अब दोनों का फोन पे इम्पैक्ट तो सेम ही होगा ना। Look at all those air bubbles coming out of... हाँ, अब बस बैठ के बुलबुले देखो। You guys can see this just, I mean, it comes out beautiful. हाँ, तो दांत पे लगाना भाई फोन में। Whoa. ऐसे लोग रियल लाइफ में कितने अनोइंग होंगे। इसमें आईफोन डाले, इसमें आईफोन डाले, हेलो, अब इसमें आईफोन डाले। बंदा खुद गाड़ी में पेट्रोल की जगह कोक डाल के देखता है, 2 liters of Coca-Cola, और गाड़ी बंद होने पे खुद ही ज्ञान देता है कि कोक नहीं पेट्रोल ही डालना चाहिए। A warning, don't put any coke in your vehicle. और जो फ्री टाइम में मगरमच्छ को आईफोन खिलाए उससे तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो यार। हमारे आईफोन पकोड़े वाले ने स्क्रैच टेस्ट भी किया है, और स्क्रैच टेस्ट इसलिए होता है कि कभी फोन पे नाखून लग जाए या फोन कभी इधर उधर घिस जाए तो कितना स्क्रैच आएगा फोन पे, पर इनका स्क्रैच टेस्ट तो अलग ही है। ये स्क्रैच टेस्ट था, तलवार मार के स्क्रैच टेस्ट। हाय गाइस, आज हम इस पेपर का वाटर टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि 2-3 बूंद पानी का इस पेपर पर क्या असर पड़ता है, क्या पेपर होगा गीला, आइए जानते हैं। तो गाइस, पेपर की कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही वाहियात क्वालिटी का पेपर था ये, पोछा बन गया है बिल्कुल।
तो गाइस दो बूंद पानी से पेपर की फट गई। तो हम पेपर को अलग अलग तरह के पानी के साथ भी टेस्ट करना चाहते थे, तो आज के टेस्ट में हम इस्तेमाल करेंगे नल का पानी, बारिश का पानी, कैंटारो देता है सबसे शुद्ध पानी, और ये बस पानी। Look at all those air bubbles coming out of... तो हम इन सारे पेपर्स को रखेंगे ओवरनाइट यानी कि 24 आवर्स के लिए और फिर देखते हैं कि ये पेपर्स गीले होते हैं या नहीं। गाइज ऐसा लग रहा है कि सारे पेपर जो है गीले हो चुके हैं, तो कोई भी पेपर विनर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट ड्रॉप योर आईफोन 6s इन अ वोल्केनो। अरे अच्छा हुआ बता दिया, वरना मैं तो कोई दूर के एक्टिव वोल्केनो ढूंढ के पूरा ऊपर चढ़ के अपना नया नया आईफोन 6s वोल्केनो में गिराने ही वाला था। बचा लिया भाई तूने। So that is it for today guys. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करो, एंड वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। वोल्केनो में गलती से गिराने ही वाला था। छोड़िए लाइन तू कर लेना।